कोई ईश्वर को सबसे पावरफुल मानता है तो कोई साइंस को। समाज में दो अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो अलग अलग मानसिकता के होने के कारण साइंस और ईश्वर में भेद पैदा करते हैं। दुनिया में हमेशा से ही इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई में इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है? क्या ईश्वर का स्वरूप इसमें मौजूद है? क्या वाकई में एक ऐसी ताकत है जो इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में दखल रखती है, जिसे आम भाषा में ईश्वर कहा जाता है? क्या सच में उसका कोई वजूद है? तो फिर इन सब के बीच साइंस का क्या रोल है? ये धरती पर अपने एक्सिस पर घूमती है। इस धरती का जन्म कई अरब वर्ष पूर्व हुआ था। समस्त ब्रह्मांड का बिग बैंग के फल स्वरूप हुआ। इन सारी बातों की जानकारी हमें विज्ञान ने दी है। विज्ञान ने हमें संसार के सच से रूबरू कराया है। विज्ञान ने हमें दुनिया के जन्म के बाद के सारे रिएक्शन को बताया है। पर विज्ञान इस बात पर लड़खड़ा जाती है कि इस धरती की बंजर भूमि पर पहली बार जीवन के सूत्र कहां से आए? इस ब्रह्मांड का जन्म क्यों हुआ? क्या कारण था जो ब्रह्मांड का जन्म हुआ? हमें ये तो पता है कि समूचे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। बायोलॉजी से हमें ये भी पता चलता है कि जीवन के ये पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। पर क्या ये साइंटिफिक नॉलेज भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए काफी है? अगर ईश्वर है ही नहीं तो इस अनंत ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? अगर सारी वस्तुएं ब्रह्मांड में स्थित हैं, तो ब्रह्मांड किस में स्थित है? ये सारे अनसुलझे रहस्य हैं, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। बिग बैंग के पहले तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र, प्रकाश, क्रिया प्रतिक्रिया आदि कुछ भी नहीं था, सिर्फ थी, तो वो थी शून्य अवस्था। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ शून्य था तो बिग बैंग थ्योरी से पहले इतना सारा मटेरियल आया कहां से? और फिर वही शून्य अवस्था इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में कैसे तब्दील हो गई? ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है, जिसे विज्ञान लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहा है। साल 2008 में एक व्यक्ति ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। बात उस समय की है जब हॉवर्ड के एक साइंटिस्ट इबेन अलेक्जेंडर थर्ड को ब्रेन डेड की वजह से तकरीबन एक हफ्ते तक कोमा में रहना पड़ा। उनके कोमा में जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनके बारे में कहा कि भले ही उनकी सांसें चलती रहे, लेकिन उनका ब्रेन पूरी तरह से डेड है और अब ये सिचुएशन जीवन भर रह सकती है। लेकिन जब वो व्यक्ति एक दिन अचानक कोमा से बाहर आया तो उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। उस व्यक्ति ने कहा, साइंस और गॉड के बीच कोई कड़ी है। उसने ये भी कहा कि वो स्वर्ग से आ रहा है, यानी उस व्यक्ति ने कोमा में रहने के दौरान स्वर्ग का अनुभव किया। अगर देखा जाए तो विज्ञान और भगवान के बीच कोई आपसी टकराव नहीं है, दोनों अपने अपने यथास्थान पर स्थित है। अगर हम अपनी सोच का स्तर थोड़ा ऊंचा करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि विज्ञान और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ विज्ञान प्रामाणिक आधारों पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, तो वहीं ईश्वर अध्यात्म, धर्म शास्त्र और आस्था का विषय है। हमारे ब्रह्मांड में चार ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण सभी आपस में बंधे हुए हैं और सुचारू रूप से ये ब्रह्मांड चल रहा है। वो चार शक्तियां हैं, नंबर वन स्ट्रॉन्ग फोर्स, नंबर टू वीक फोर्स, नंबर थ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर फोर ग्रेविटेशनल फोर्स। हैरानी की बात तो ये है कि चार फोर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लाखों साल बाद उत्पन्न हुए और आज ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया इन चारों फोर्सेस के मुताबिक होती है। अब सवाल ये है कि इन चारों फोर्सेस के बिना बिग बैंग हुआ कैसे? कुछ समय पहले स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जो भी चीजें हैं वो सिर्फ विज्ञान की बदौलत ही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रेट डिजाइन में लिखा है कि नेचुरल क्रिएशन ही वो वजह है जो कुछ ना होने की जगह कुछ है। ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों है, ये जरूरी नहीं कि हलचल पैदा करने के लिए और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को बुलाया जाए। यानी बिग बैंग थ्योरी के पीछे किसी भगवान का हाथ नहीं था। तो वही फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी जनरल और स्पेशल थ्योरी में गॉड डजंट प्ले डाइस जैसे ईश्वरीय शब्दों का प्रयोग करके
ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकारा। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन तो हिंदू धर्म शास्त्र भगवद गीता को भी पढ़ा करते थे और कहते थे गीता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। साल 2013 में हमने जाना कि ब्रह्मांड के एटम अस्तित्व का कारण एक पार्टिकल है जिसे हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल कहा जाता है। गॉड पार्टिकल वो सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल से पहले प्रोटॉन को सबसे छोटा कण माना जाता था। जब प्रोटॉन आपस में टकराए तब गॉड पार्टिकल की खोज हुई, क्योंकि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति का सबसे पहला चरण गॉड पार्टिकल से ही शुरू होता है। प्रोटॉन के अंदर क्वार्क के बीच की खाली जगह को हिग्स फील्ड कहते हैं और इस खाली जगह के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें ही हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल कहा जाता है। यानी वैज्ञानिकों ने भी इसे ऐसा नाम दिया जिससे ये साबित होता है कि कण कण में है भगवान। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड के पास पार्टिकल एक्सेलरेटर में हुई, जिसके प्रवेश द्वार पर भगवान नटराज की मूर्ति लगी है। वैज्ञानिक भी समय समय पर ईश्वर में आस्था रखते नजर आते हैं। पॉल डेविसी नाम के फिजिक्स साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते थे। उन्होंने द माइंड ऑफ गॉड नाम की एक बुक भी लिखी है। इससे हम क्या समझें? क्या भगवान अस्तित्व में है? क्या भगवान के अस्तित्व में होने का कोई सबूत है? भगवान या विज्ञान किस पर भरोसा करे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो सालों से हम मनुष्यों के बीच चर्चा का विषय बने हैं। अगर देखा जाए तो अभी हमारी साइंस अपने चाइल्डहुड में है, फिर भी साइंस ने इतने इन्वेंशन कर लिए हैं और यूनिवर्स के उत्पत्ति के रहस्य को उजागर किया, लेकिन फिर भी अभी विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ है कि सभी सवालों के जवाब दे पाए। समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जाएगा, शायद हमें हमारे काफी सारे सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। विज्ञान कहता है कि घटना के घटित होने के लिए किसी न किसी कारण का होना आवश्यक है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि बिग बैंग घटना के पीछे कौन सा कारण था? अगर हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं तो हम पाते हैं कि हवाई जहाज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, कंप्यूटर, टेलीफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट गैजेट्स, इन सब चीजों को बनाने के पीछे हम इंसानों का हाथ है। हमारे वैज्ञानिकों ने इन चीजों को बनाने में बहुत कड़ी मेहनत की है, तब जाकर ये चीजें हम तक पहुंच पाई हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम पाते हैं कि जो चीजें हम इंसानों ने नहीं बनाई वो प्रकृति की देन है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, हवा, नदियां, सागर, जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान खुद भी। क्या इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण खुद हो गया था या इसके पीछे किसी बुद्धिमानी प्राणी का हाथ है? सब कुछ इतना सिस्टमैटिक तरीके से आखिर किसने बनाया होगा? देखा जाए तो आजकल के परिवेश में साइंस हम पर हावी है। हम बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच से भरी बातें करने लगे हैं। कभी विज्ञान कहता था कि वही सब कुछ है, तो कभी वो भगवान के सामने हार सा जाता है और कई सारे सवालों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं होता। कुछ साल पहले की बात है, वैज्ञानिक जोसेफ नीडहैम ने चीन में टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों शुरुआती खोजों के बावजूद चीन विज्ञान की प्रगति में यूरोप से पिछड़ गया। काफी रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोप का विज्ञान एक लॉजिकल क्रिएटिव पावर पर विश्वास करता है जिसे ईश्वर कहते हैं, जबकि चीन एक नास्तिक देश है। लॉर्ड केल्विन 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने भगवान और विज्ञान में सामंजस्य बैठाने का तरीका ढूंढा। केल्विन का मानना था कि विज्ञान का पूरा सम्मान जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना शोध किया है तो मुझे लगता है कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह है ही नहीं। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है कि भगवान जरूर हमारे आसपास ही मौजूद है। ईश्वर के होने का आभास हमें कभी ना कभी जरूर महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो लगता है ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, दुनिया में ये एक विवादास्पद विषय है। मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी धर्मों और समाजों में ईश्वर का अस्तित्व रचा गया है। हम बचपन से ईश्वर में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम भी ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को हम सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं। ईश्वर का आकार प्रकार हम मनुष्य ही निर्धारित करते हैं। सभी धर्म और मजहब ने
अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का रूप और आकार रचा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ईश्वर को हमने रचा है या हमें ईश्वर ने? क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति के सिद्धांतों का विरोध किया। साथ ही उन्होंने प्रकृति की रचना में ईश्वर की मौजूदगी के सबूतों को मानने से इनकार किया। प्रकृति अपने नियमों को भली भांति सटीक ढंग से निभाती चली आ रही है और अरबों सालों से ये नियम काम करते आ रहे हैं। प्रकृति के भी अपने नियम हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। क्या ये नियम सिर्फ इत्तेफाक है? ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी को किसी डिजाइनर द्वारा सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। ऐसा लगता है इन सब चीजों को बनाने के पीछे कोई डिजाइनर, नियम बनाने वाला कोई ऑर्गेनाइजर है तो अवश्य ही कोई क्रिएटर भी होगा। विज्ञान की थ्योरी को समझने के बाद भी यही प्रतीत होता है कि इस ब्रह्मांड की रचना का कोई ना कोई रचनाकार तो जरूर है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो निराकार हो सकता है या कोई कॉस्मिक एनर्जी हो सकती है, या इस ब्रह्मांड की कोई अपार शक्ति हो, या फिर हमारी सोच से परे किसी और रूप में हो, लेकिन वो शक्ति है जरूर। इसीलिए विज्ञान भगवान से अलग नहीं और भगवान विज्ञान से, दोनों ही एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। वैसे देखा जाए तो साइंस और गॉड की किसी बहस में पढ़ना बेकार है, क्योंकि इन दोनों का एक रहस्य है जिसे समझना शायद अभी तक इंसानों के बस की बात नहीं। धन्यवाद।